हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं एन इंडियन यूट्यूबर चैनल। आज की इस वीडियो में हम आधार से रिलेटेड बात करेंगे। इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है आधार के ऊपर, और इस वीडियो में आपको बताया गया है कि आधार सबसे पहले किसका बना, और उससे ज़्यादा और उससे भी जुड़े सवाल इस वीडियो में दिए गए हैं। तो अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको वो समझने में आसानी होगी, और इससे जुड़ी रिलेटेड वीडियो मैं आगे आपको शेयर करता रहूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन देखने होंगे और अच्छे से समझने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक है, आधार कार्ड कितनी बार बनता है? तो इसका जवाब है, किसी भी नागरिक को उसके पूरे जीवन में एक ही बार आधार नंबर जारी किया जाता है। आपका अगला सवाल है, क्या मैं दो आधार कार्ड बना सकता हूँ? क्योंकि बहुत से आदमी इस तरीके की सोच रखते हैं कि मैं दो आधार कार्ड बना लूँ और यहाँ भी और शहर में गाँव में दोनों जगह इस्तेमाल अलग अलग कर सकूँ। लेकिन इसका जवाब है नहीं, एकाधिक आधार कार्ड होना संभव नहीं है। एक से ज़्यादा आधार कार्ड आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड से जुड़ी विशिष्ट आईडी है जो कि फिंगरप्रिंट है। आपके हाथों के जो निशान हैं ये एक आईडी है जो कि ये बता देता है कि ये आपके डुप्लीकेट हैं या ओरिजिनल हैं, जिससे ये पता पड़ जाता है आपका आधार पहले ही बन चुका है या नहीं। सवाल नंबर तीन, आधार कार्ड में कितने नंबर हैं? इसका जवाब है, आधार कार्ड में 12 नंबर हैं। आप अपने आधार कार्ड में गिन भी सकते हैं। सवाल नंबर चार है, आधार कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जवाब है, आधार कार्ड चार प्रकार के होते हैं। आधार कार्ड पहला पेपर आधार कार्ड, दूसरा ई आधार कार्ड, तीसरा एम आधार और चौथा पीवीसी आधार कार्ड होता है। इन सभी आधार कार्ड में एक ही नंबर होता है। आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि इन चारों पर अलग अलग नंबर होता है, क्योंकि आधार जिसका एक बार बनता है उसका नंबर भी एक ही बार मिलता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर पाँच, आधार कार्ड का पूरा नाम क्या है? तो इसका जवाब है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगर इंग्लिश में हम कहें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। इसका अगला सवाल है, भारत का पहला आधार कार्ड किसका बना? जो कि इस वीडियो का मोस्ट सवाल क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। इसका जवाब है, बात अगर भारत के सबसे पहले आधार कार्ड की करें तो देश में पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को रंजना सोनावानी का बना था। एक बार और सुन लें, रंजना सोनावानी का पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को बना था। अगला सवाल, आधार कार्ड का लोगो किसने बनाया? यानी आधार कार्ड जिस तरीके का दिखता है उसका लोगो किसने बनाया था? इसका जवाब है, लोगो निर्माता यानी लोगो बनाने वाले का नाम ये है, मुंबई निवासी अतुल नाम का एक व्यक्ति था। अतुल सुधाकर राव पांडे को 2000 से अधिक प्रविष्टियों में से उनके डिज़ाइन का चयन करने के बाद 1,00,000 रुपये का चेक दिया गया था। यानी उनके 2000 डिज़ाइनों में से एक डिज़ाइन पसंद किया गया जिन्हें सरकार द्वारा 1,00,000 का चेक भी दिया गया। अगला सवाल है, क्या विदेशियों को आधार मिल सकता है? इसका जवाब है, हाँ, वैध भारतीय पासपोर्ट वाला एक NRI चाहे नाबालिग हो या वयस्क किसी भी आधार केंद्र से आधार के लिए आवेदन कर सकता है। यदि आपके पासपोर्ट में आपके जीवन साथी का नाम है तो इसका उपयोग उनके पति के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। यदि पति पत्नी NRI हैं, पहचान के प्रमाण के रूप में आवेदक का वैध भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य है यानी कि ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।